दिल्ली में गृह मंत्रालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, बिल्डिंग को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला है और इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। बताइए अमरीश, क्या अपडेट मिल रही है अब तक? देखिए दीपक, आज दोपहर में एक ईमेल आया था जिसमें कहा गया था कि जो गृह मंत्रालय का दफ्तर है दिल्ली स्थित, उसको उड़ाने की धमकी दी गई है, बम उसमें लगाए गए हैं। और उस ईमेल की जांच के आने के साथ ही जो सीनियर अधिकारी थे उन्होंने तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी उनको ईमेल फॉरवर्ड किया, उसकी जानकारी दी गई। दिल्ली पुलिस ने जांच करना शुरू किया था, पूरी बिल्डिंग की जांच की गई एहतियातन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, पूरी बिल्डिंग में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने उस ईमेल के आईपी एड्रेस को भी ट्रेस किया और ये पता लगा कि फिलहाल ये एक हुक्स ईमेल है, यानी कि फर्जी ईमेल है और इस फर्जी ईमेल के जरिए सिर्फ एक दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही थी। किसी ने शैतानी करने के इरादे से ये ईमेल भेजा है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि जो ईमेल भेजा गया है वो भारतीय आईपी से है या नहीं है, क्योंकि आईपी को अभी तक ट्रेस करने पर ये जरूर पता चला है कि ये ईमेल कहीं जो निजी सर्वर है उनसे भेजा गया है, यानी कि वो देश के किसी सर्वर से नहीं भेजा गया, लेकिन किसी संदिग्ध कंट्री से भेजा गया है अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि दिल्ली पुलिस का ये साफ कहना है कि फिलहाल इस पूरे मामले में इस ईमेल को हम फर्जी मान रहे हैं, सिर्फ एक हॉक्स मैसेज मान रहे हैं और जो एमएचए की बिल्डिंग है वो पूरी तरह सुरक्षित है। प्रोटोकॉल के तहत इस पूरे मामले की बाकी जो एजेंसीज हैं वो भी अभी जांच कर रही हैं, फिलहाल कुछ भी संदिग्ध नहीं है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे अमरीश आपका इस पूरी खबर पर हमारे